On Ballot Buzz today, Team NIJ is in Panipat, which is the heart of textile and industries here, right here in Panipat. So let us try to speak with the people here. A number of workers I can see, they have come out for their tea break and everything. So let us have a word with them. Let us listen to their opinions. What has the government done in the last 10 years? What are their thoughts about the elections this time? Apna naam bataiye. मेरा नाम सद्दाम हुसैन है जी। आप कहाँ के रहने वाले हैं जी? मैं तो बिहार का हूँ जी। अच्छा, बिहार के हो, यहाँ पे कब से काम कर रहे हो? यहाँ तो मेरे को जी 4-5 साल हो गए। तो 5 साल में क्या देखा यहाँ पे आके, मतलब किस तरीके के हालात हैं, क्या है, काम करने में सुविधा होती नहीं होती है आसपास, मतलब माहौल कैसा है? माहौल तो आसपास मैडम तो बहुत बढ़िया है, काम करने में सही सुविधा है जी। अपना नाम बताइए। दीपक आर्य। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पानीपत का रहने वाला। पिछले कुछ सालों में अभी जैसे चुनाव वगैरह हो रहे हैं यहाँ पे, तो क्या ऐसी चीजें जो आप बताना चाहेंगे, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, थोड़ा उस बारे में हमें बताएं। नहीं, गलियों में विकास है, गलियों में मतलब जो कर पहले टूटी फूटी सड़कें वगैरह थी उस चीज का तो है, बनाई है। हाँ, बनी हुई है सड़कें, लाइटें वाइटें लगी, लाइटें वगैरह की सारी सुविधा है, शिविर वगैरह सारा कुछ डल गया, सुधर गया। ये बताइए की और सिक्योरिटी कैसी है, अगर मैं बोलूं कि सुरक्षा के मामले में आप लोग आते जाते हैं, कुछ गुंडागर्दी लूटपाट इस टाइप के सीन है? गुंडागर्दी कुछ नहीं है, माहौल अच्छा, काफी अच्छा है। अभी चुनाव का माहौल है, अभी जो वादे किए हैं बीजेपी ने लगभग वो पूरे कर रखे हैं। तो जो ये पेंशन वाला है, ये इन्होंने वादे मतलब लोगों को गुमराह करने का काम कर रखे है, इतनी पेंशन दे देंगे वो दे देंगे। किसने पेंशन का वादा किया है? तो जो कांग्रेस सरकार कर रही है पेंशन का वादा, प्लाट देने का, ये तो वो तो विधायक बनने के बाद ही पता लगेगा, सही तो मिलेगा नहीं मिलेगा क्या है। बाकी बीजेपी अपना ठीक काम कर रही है यहाँ। आपने अभी चुनाव का सीजन चल रहा है, काफी सारे उम्मीदवार आ रहे होंगे, वादे कर रहे होंगे, 10 साल से यहाँ पे एक सरकार रही है, क्या कहना है, कितने नंबर देंगे 10 में से? मैं तो मैम 100 में से 100 नंबर दूंगा मैम। ऐसा क्यों मैम? जो वादे किए हैं अगले पूरे किए हैं, कोई वादा ऐसा नहीं है कि जो ना पूरा हुआ हो, जो हम उनके नंबर माइनस करें तो ऐसा तो कोई काम ही नहीं है। तो ऐसे कौन से वादे हैं थोड़ा हमें बताइए कि जिससे आपको और वर्कर्स वगैरह को फायदा हुआ हो कि मतलब ये चलो चीज ठीक की है। मैम पहली बात तो अगर मान लिया देखा जाए, देखो काम मार्केट में इतना दबा के काम है, कांग्रेस राज में हमने कभी देखा ही नहीं था, और पूरा पानीपत के अंदर कहीं भी आप चले जाओगे तो काम आपको प्रॉपर मिलेगा, वर्कर खुश है बिल्कुल, कोई किसी से भी बात करोगे तो सब खुश है, कोई ऐसा नहीं है कि परेशान हो। पानीपत का मैम मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर पहला नंबर होगा टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के को लेके। आप कहीं भी पूरा 29 सेक्टर 25 सेक्टर पार्ट 1 पार्ट 2 ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ भी जाओगे आपको काम पूरा दिखाई देगा। मैं बीजेपी का जिला पे इलेक्शन लड़ चुका हूँ, मैं जिला पे इलेक्शन लड़ चुका हूँ खुल के, वेस्ट बंगाल में मेरा 38 साल पानीपत में हो गया, हरियाणा में। आप 38 साल से पानीपत? साल हरियाणा में ये एक्सपोर्ट लाइन पे जी। आप 38 साल, आपकी उम्र क्या है? हाँ, आपकी क्या उम्र है? उम्र हो गया मेरा 52 लगभग। बंगाल बनाएगा क्या पूछ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ बंगाल बनाएगा यहाँ। अरे भाई बात तो सुनो, नहीं बंगाल बनाएगा, हमारा खून देखा क्यों हम बोल रहे हैं? खून देखा यार, हमारा देश देश को खा गई ना, कांग्रेस बता रहा है यार। किस तरीके से खा गई? क्यों नहीं खा गई? लोगों के जन हम छोटे छोटे थे, नसबंदी करती थी, हिंदुत्व को खत्म किया, क्या नहीं किया कांग्रेस ने, क्या नहीं किया कांग्रेस देख ले आप। अरे मैं पार्टी में हूँ ना, फिर भी कह रहा हूँ आप तो देख ले इस बार किसका सरकार है। अरे बीजेपी आएगी और कौन आएगा, कोई बात नहीं, तुम भी यही हम भी यही, टेंशन ना ले। ये न्यूज में बोलता हूँ कांग्रेस बीजेपी 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 के सरकार में जो काम हुआ है सो किसी सरकार के पास काम नहीं हुआ। अब महंगाई के बात कर रहे भाई साहब, मोबाइल आज हर बच्चे बच्चे को पास 10,000-20,000 का मोबाइल है, उसका रिचार्ज कहाँ से आएगा? तो महंगाई बढ़ेगा नहीं तो घटेगा। बीजेपी के सरकार में हमको हो गया यहाँ 32 साल रहते हुए, कांग्रेस की सरकार थी कुछ काम हमारा नहीं हुआ, गली में इतने पानी माना आते थे डेली जाते थे, और अब जाके देखो बीजेपी की सरकार पहले ही प्लान में ही गली बना दिया, फर्स्ट क्लास करवा दिया, क्या नहीं किया बीजेपी ने। तो आप लोगों को रहने सहने में उससे कैसा फायदा हुआ है कि मतलब आप लोगों की लाइफ कैसे? मैम फायदा बहुत है,
चलिए ठीक है, तो वी गॉट अ लॉट ऑफ ओपिनियंस फ्रॉम द वर्कर्स हियर एंड दे टोल्ड अस अबाउट द काइंड ऑफ इश्यूज दैट आर ऑन देयर माइंड्स. सम आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द बीजेपी रिटर्न. सम ऑफ देम हैव पॉइंटेड आउट द काइंड ऑफ इश्यूज द एरियाज वेयर दे एक्सपेक्ट इंप्रूवमेंट एंड दे वॉन्ट द गवर्नमेंट टू वर्क. सो ओवरऑल दिस इज द सीन हियर इन द इंडस्ट्रियल एरिया इन पानीपत. सो लेट अस टेक यू अराउंड पानीपत एंड ब्रिंग यू मोर स्टोरीज फ्रॉम द हार्ट ऑफ हरियाणा. बाईस साल से मैं यहाँ हूँ. 22 साल से जिस टाइम आए थे पांच दस दस पूरे खड़े थे यहाँ. सारे तो खड़े भरे गए जी. सब के पक्की सड़कें बन गई. बाहर से लाइट ट्रांसफार्म जल जाता था. मेरे ख्याल में 20-20 दिन हमारे को ये करना पड़ता था ट्रांसफर कब ठीक होगा. अब ट्रांसफर ठीक हो गए. एक फ़ोन करो उसी टाइम 2 घंटे में लाइनमैन आ जाएगा. हमारी जो बिजली की समस्या है सारी दूर हो जाएगी. पानी की समस्या हमारी बिल्कुल ठीक है. पानी समय पर आता है. गलियां ठीक हैं, नालियां ठीक हैं, सभी गलियों में सीवरेज डले हुए हैं. किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है. सुरक्षा में ठीक है सारा. अब तक कोई ऐसी बड़ी वारदात नहीं हुई यहाँ. जब भी पुलिस की सहायता मिलती है, बल्कि रात को मेरे को मैंने फ़ोन दबा भी नहीं था, उसी टाइम मेरे पास फ़ोन आया जी, क्या आपको पुलिस की सहायता है चाहिए. माँ जी मैं तो वैसे ही अननोन से बटन दब गया. मुझे पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं है. पुलिस प्रशासन ठीक है. कोई दिक्कत आए नहीं. जब भी चाहे वो हमारी मदद के लिए तैयार आते हैं. कांग्रेस का हमें वो याद आया तो उसमें उन्होंने पेंशन बोला है कि बुजुर्ग वर्ग को 6,000 की पेंशन दी जाएगी. तो आपका क्या कहना है इस वादे पे? देखो जी, झूठ बोलने में तो कोई बोले, झूठ का तो कोई पाव नहीं होते. बाकी इन्होंने ये कर दिया, 60 साल का जो बंदा होगा वो अपने फार्म भरेगा. जब भी उसकी 60 साल की उम्र हो जाएगी तो उसको पेंशन ना कहीं धक्के खाने पड़ेंगे ना कहीं दफ्तर में जाना पड़ेगा. 60 साल की उम्र होते हुए उसकी पेंशन बन जाएगी. वो अपनी सुविधाएं पूरी करे, जो कागजात है वो पूरे करके दे दे, ऑनलाइन करा दे, सीएससी सेंटर में जाए, ऑनलाइन कराए और उसकी पेंशन बन के उसके घर आएगी. तो आपने हमें इतनी बातें बताई, आपको लगता है ये सारे मुद्दे को देखते हुए अगर लोग इस बार वोट कर रहे हैं तो ये सोच समझ के वोट करेंगे कि तीसरी बार अभी जब ये चुनाव अभी यहाँ पे हो रहे हैं, दो पिछले 2 बार सेम भाजपा की सरकार रही है, तीसरी बार क्या लगता है किस तरफ हवा चल रही है? देखो जी, इसके बारे में क्या सकता है, इसके बारे में यही कह सकता हूँ जी, जो आदमी अच्छा काम करेगा, जो आदमी ये सोचेगा भाई जब आदमी 2 बार विधायक बन चुका है उसमें कुछ ना कुछ तो खासियत होगी, जो तीसरी बार उन्होंने कोशिश कर रहे हैं बनने की, तो जैसे भी अच्छे काम करेंगे तो बन जाएंगे, नहीं अच्छे काम करेंगे तो पब्लिक है इनको गिरा देगी. लगभग प्रैक्टिकल हमारे ही इन्हीं नूर वाले के अंदर और अपने जितने भी कॉलोनी है, मेरा जीवन यहीं पे गुजरा है. पहले यहाँ पे इस एरिया में कोई सड़कें वगैरह नहीं थी, नालियाँ नहीं थी, लाइटें नहीं थी, तो सब व्यवस्था इन्होंने दी है मैम जी. अच्छा, तो ये भाजपा के वो है विधायक जी. तो ये बताइए कि और पिछले 10 साल में अगर रिपोर्ट कार्ड गवर्नमेंट का देखा जाए तो 10 में से आप कितने नंबर देंगे, किस तरीके के काम हुए हैं यहाँ पानीपत के अंदर, क्योंकि आपका गाँव पानीपत रूरल में आता है, तो किस तरीके के काम हुए हैं यहाँ पे मैम जी? ये तो अगर मैं कहूँ तो ऐसा इस टाइम अब तक ऐसा कोई कार्य नहीं बचा जो हमारे लिए, देखो हम गरीब तबके के आदमी हैं ज़्यादा, भाई हमें लाइट पानी ऐसी व्यवस्था नॉर्मल व्यवस्था है, मजदूर तबके आदमी हैं, तो हमारे लिए जो भी कार्य चाहिए थे इन्होंने सब दिया हमें. मैम जी सुधार अब तो चमक गया एरिया मैम जी. अब तो एरिया जितना ग्रामीण हल्का है ना, अब तो मैं देखो झूठ का बिल्कुल नहीं साथ करूंगा, आप भी प्रैक्टिकल जाके देखते हैं एरिया में जाके देखो, एक भी सड़क आपको कच्ची नहीं मिलेगी. फिर दूसरी मेन रोड पर आपको लाइटें मिलेगी, खंभे मिलेंगे, नालियाँ मिलेंगी, शिवर मिलेंगे, तो ये आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हो. मैं किसी तरह का मतलब ना किसी पार्टी से लिंक रखता, मैं जो बता रहा हूँ आपको कार्य बता रहा हूँ सारे के सारे मैम जी. देखो हमारे इधर वार्ड नंबर 25 की तरफ जितनी भी कॉलोनियाँ थी अवैध थी, तो बीजेपी पार्टी 2014 से आई थी. मैंने 2 बार वोटिंग की बीजेपी पार्टी को ही की है, अवैध कॉलोनियों को वैध कराया जी. वहाँ पे हमें खूब याद है जी, इतने इतने खड्डे होया करते थे, कच्चा होया करता, वहाँ पे कोई काम नहीं था, लाइट नहीं थी, सभी काम हमारे महिपाल जी ने करके दिए हैं, बीजेपी पार्टी ने करके दिए हैं, कोई भी कसर नहीं छोड़ रखी है जी. यहाँ तक कि सीवर लाइन तक बिछवा दिया जी, जहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं थी कांग्रेस पार्टी में, अब बीजेपी पार्टी वालों ने इतना काम कर दिया जी, 24 घंटे लाइट दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं साफ सुथरा, बीजेपी पार्टी ने बहुत काम कर दिया जी. कभी हमारे हरियाणा के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था कि 100 नंबर पर भी कॉल करते रहते थे, 1 घंटे के बाद 1.5 घंटे के बाद आती थी. 112 लगाई है जी, 112 सिर्फ
फोन करने के 5 मिनट तुरंत एकदम वहीं पे आ जाती है जी, चाहे कोई भी हो। पानीपत में यहाँ पर 4 से 6 हजार रुपये गज प्लाट थे, जब से ये इस सरकार ने नालियाँ गलियाँ और शिविर बनाए हैं तब से 25 हजार रुपये गज प्लाट हो गया इन 3 सालों में। 3 सालों में तो डबल से भी ज़्यादा रेट हो गया, मतलब जैसे गलियाँ बननी शुरू हुई थी तब 10 हजार रुपये गज हो गया था, फिर 15 हजार रुपये गज, अब इस टाइम 20 से 25 हजार रुपये तक गज प्लाट है। यानी कि अच्छा हुआ सिस्टम इन्होंने जो बनाया है, पता नहीं कहाँ से ये ऐसी ऐसी स्कीमें कहाँ से निकाल रहे हैं। 70 से 80 कॉलोनी, लगभग 80 कॉलोनी इन्होंने पक्की करवा के और सारे काम करवा दिए इन्होंने। तो क्या ऐसा माहौल में बदलाव आपने देखा है 10 साल में जो एक कंटिन्यूअसली सरकार रही है यहाँ पे? इनफैक्ट जो MLA रहे हैं इस वाली कॉन्स्टिट्यूएंसी के, ये भी BJP के रहे हैं, तो मतलब ये तो क्या आपने फर्क देखा है? आप उस हिसाब से थोड़ा पहले और अभी का कंपैरिजन करें। हमने ये फर्क देखा है कि भाई जो पिछले सरकारों में रहा है, अपहरण बहुत बढ़ गए थे, गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई थी और प्लाटों पे कब्जे बहुत हो गए थे, अब नहीं। तो जो पैसा खर्च करने की क्षमता रखते थे, आपको लगता नहीं है वो खफा है इस बात से कि हम पैसे भी देकर अब नहीं लग पा रहे हैं नौकरी में? वो तो खफा होंगे और उसका असर क्या पड़ेगा चुनाव पे? हाँ, चुनाव पे पड़ेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो वर्कर है वो भी कहीं ना कहीं नाराज हुआ था कि भाई हमें नौकरी नहीं देते। मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया था कि भाई जो पड़ेगा वो ही लगेगा, मुझे कोई मतलब नहीं है कोई पार्टी के वर्कर से या किसी से या गैरा से वगैरह, कोई काम नहीं हुए, सिर्फ काम हुए हैं तो सिर्फ पढ़े लिखे के काम हुए हैं। So we got some more opinions from the people here and I can see more people have gathered. We will try to bring you as many opinions from the people about the elections this time. So keep watching BharatBuzz.